Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Again, we will see the problem based on Potter Governor. ठीक है, important problem है. Let us see how to solve the given problem. Okay, a Potter Governor has all the four arms having a 250 mm long. जो दिया है, just you have to write down the given things. Okay. So अभी हम लोग क्या करेंगे? एक governor का जो है, वो figure बना लेंगे. देखिए क्या क्या दिया है. फोर आर्म्स डिस्टेंस 250 mm, आर्म डिस्टेंस 250 mm. ओके, द अपर आर्म्स आर अटैच्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लोअर आर्म्स आर अटैच्ड टू द स्लीव एट अ डिस्टेंस ऑफ 330 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. देखिए, अपर आर्म्स जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन या स्पिंडल एक्सिस या गवर्नर एक्सिस को अटैच है. ठीक है, और ये जो लोअर आर्म्स है, ये जो लोअर लिंग्स है, वो बेसिकली किसको अटैच है? वो स्लीव के अटैच है. लेकिन कंडीशन क्या है? जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से हाउ मच इट इज अवे, लोअर आर्म जो है हाउ मच डिस्टेंस इट इज अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज 30 mm. ठीक है, तो ये यहां से आपको ध्यान से देखना है. ठीक है, चलिए फिर ये हो गया आपका 30 mm डिस्टेंस. ठीक है, ये होता है आपका रेडियस ऑफ रोटेशन. ठीक है, यहां से पिवट पॉइंट से हाइट ऑफ गवर्नर. ठीक है, चलिए मूव फॉरवर्ड. द मास ऑफ ईच बॉल, फ्लाई बॉल मास, स्मॉल एम, हाउ मच इट इज 5 kg. देन अगेन स्लीव हैज अ मास ऑफ 50 kg, दैट इज द सेंट्रल स्लीव मास, कैपिटल एम, 50 kg. ओके, द एक्सट्रीम रेडियस ऑफ रोटेशन आर 150 mm एंड 200 mm रेस्पेक्टिवली. ओके, तो मिनिमम स्पीड कंडीशन के लिए और मैक्सिमम स्पीड कंडीशन के लिए रेडियस ऑफ रोटेशन इज गिवन 150 mm. ओके, मिनिमम स्पीड के लिए. अब मैक्सिमम स्पीड कंडीशन के लिए अनदर फिगर. ठीक है, 30 mm अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इतना ये डिफरेंस जो है वो दिया है, R2 200. ये एज टू आपको फाइंड आउट करना है. चलिए, ये ऑल द आर्म हैविंग डिस्टेंस 250 mm. ठीक है, चलिए ये है आपका एंगल अल्फा वन ले लो, इसको बीटा वन, बीटा टू, और ये सेकेंड कंडीशन है, इसीलिए अल्फा टू बीटा टू. ठीक है, आई थिंक सब नोटेशन हम लोगों ने कर लिया है ये mm. चलिए फिर और कुछ क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? रेंज ऑफ स्पीड ऑफ गवर्नर, दैट इज द वैल्यू ऑफ N2 माइनस N1 इज इक्वल टू वॉट. तो हाउ टू सॉल्व, देखिए ये डिस्टेंस यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये साइड हमको मिल जाएगा, लगा दो फिर. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम यू विल गेट द वैल्यू ऑफ H1 250 उसका स्क्वायर माइनस 150. चलिए, सो वैल्यू ऑफ H1 दैट इज यू विल गेट द पॉइंट 2, दैट इज मतलब 200 mm, 0.2 meter. चलिए अब देखिए गाइज, ये 150 है, यहां से 30 अगर आपको माइनस कर दिया तो यू विल गेट दिस साइड जो है 120, इतना डिस्टेंस आपको 120 मिल जाएगा. ठीक है, ये 250, ये 120, तो ये साइड आपको मिल जाएगा, मान लो ये PQ, इतना डिस्टेंस आपको मिल जाएगा. ठीक है ना, अगर ये डिस्टेंस आपको मिल गया तो डेफिनेटली विल गेट द वैल्यू ऑफ बीटा, 10 बीटा. ठीक है, सो चलिए फिर ये डिस्टेंस जो है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम PQ दिस साइड is equals to under root of 250 इसका स्क्वायर माइनस 120 इसका स्क्वायर. तो ये साइड आपको मिलेगा अगर आप कैल्सियम में करोगे 219 mm. ठीक है गाइस, चलिए सो वी विल मूव फॉरवर्ड 219 mm, 0.219 meter. इस तरह से आपको करना है.
ठीक है, अभी हम लोग टैन बीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, टैन ऑफ बीटा वन, यहाँ पे देखिए जो डिस्टेंस एंड आर्म डिस्टेंस इक्वल है, बट जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से इतना डिस्टेंस हमें होगा, तो ये आपका इस तरह से इसका नोटेशन में चेंजेस हो जाता है। ठीक है, सो टैन बीटा क्या हो जाएगा, दिस अपोजिट साइड, ठीक है ना, अपोजिट साइड अपॉन दिस एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो ये टैन बीटा है, तो 120 डिवाइडेड बाय ये वाला जो डिस्टेंस हम लोगों ने निकाले 219, सो टैन बीटा का वैल्यू जो है वो आपको मिलेगा 0.548, 0.548। ठीक है, अब देखिए टैन अल्फा वन कैसा मिलेगा, दिस अपोजिट साइड, ये टोटल 150 डिवाइडेड बाय दिस एडजेसेंट साइड H1 जो तुम लोगों ने फाइंड आउट किया। सिमिलरली टैन अल्फा वन 150 अपॉन H1 200, सो टैन अल्फा वन 0.75। ठीक है, देखिए वैल्यू ऑफ क्यू वन आपको मिलेगा टैन बीटा वन अपॉन टैन अल्फा वन। ठीक है, वैल्यू ऑफ क्यू वन 0.731। अब ये हम लोगों ने मिनिमम स्पीड कंडीशन के लिए निकाले। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, अभी फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या फॉर्मूला है भाई, मिनिमम स्पीड कंडीशन के लिए N1 इज इक्वल टू स्मॉल m क्या आ जाएगा, प्लस कैपिटल M बाई टू वन प्लस क्यू वन और स्मॉल m 895 डिवाइडेड बाई H1। H1 मालूम है, स्मॉल m कैपिटल M मालूम है, क्यू वन का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया। ऑल द वैल्यू डाल दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ N1, स्मॉल m 5, तो कैपिटल M 50, वन प्लस क्यू वन का वैल्यू 0.731 डिवाइडेड बाय स्मॉल m 5, 895 अपॉन H1 0.2, ये आ जाएगा N1 201। ठीक है गाइस, ये कंडीशन के लिए होगा। सिमिलरली जस्ट यू हैव टू कम सॉल्व बाय सेकेंड फिगर। ठीक है, इसी तरह निकालेंगे, ये साइड आपको निकालना पड़ेगा। देखिए अगर ये साइड यहाँ से 200 200 माइनस 30 किया तो ये कितना हो जाएगा, 170 ये डिस्टेंस। ठीक है, और ये डिस्टेंस मान लो ये और बी, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। चलिए गाइस, पहले हम लोग एच टू निकाल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस एच टू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 250 और ये कितना है 200, वैल्यू ऑफ एच टू 150 mm मीटर में 0.15। ओके, बस अभी ये जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करेंगे। कैसा निकालेंगे, टैन बीटा बीटा टू इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। अभी ये निकालना अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ए बी इज इक्वल टू, सो अंडर रूट 250 और वो कितना है 170, ये आपको मिल जाएगा साइड जो है 183 mm, 183 mm। ठीक है, टैन बीटा टू, चलिए गाइस आर यू गेटिंग येस और नो, 170 डिवाइडेड बाय ए बी, 170 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, टैन बीटा टू 0.93। ओके, सिमिलरली टैन अल्फा टू, टैन अल्फा टू क्या आ जाएगा, इतना डिस्टेंस है 200 डिस्टेंस है ना,
opposite side upon I put in opposite side upon this adjacent side S2 value of S2 150 tan alpha 2 1.333. Yes, that is correct. So guys अभी क्या करेंगे Q2 find out कर लेंगे tan beta 2 upon tan alpha 2 ये मिलेगा आपको 0.7. तो अप्लाई द फॉर्मूला ना मैक्सिमम स्पीड कंडीशन के लिए m2 square is equals to small m plus capital M divided by 2 1 plus Q2 divided by small m. अगर ये वैल्यू आप इसमें पुटअप कर लेंगे तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे n2 का वैल्यू रखता हूँ 238. ओके तो फाइनल जो है रेंज ऑफ स्पीड ऑफ गवर्नर इन टू माइनस एन वन 30 दैट इज करेक्ट एंड फाइनल आंसर. सो गाइज यू शुड प्रैक्टिस द वराइटी ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है कीप इन योर हैंड सॉल्व माय कैलसी नोटबुक सब रफ पेजेस वगैरह सब साथ में रहो. सो आई होप दैट यू हैव टू बी क्लियर यू शुड बी क्लियर ओके यू ऑल शुड अंडरस्टूड ओके इजी है सिंपल है एग्जाम में आने वाला है. ठीक है आपके काम का प्रॉब्लम है. एनी क्वेरीज वी विल रिजॉल्व एनी सजेशंस वी विल सॉल्व इन क्यूरियस सेशंस. स्टे कनेक्टेड कीप वॉचिंग टिल देन गुड बाय थैंक यू.